सुप्रभात, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, बादल आए। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 10, बादल आए से संबंधित शब्द अर्थ और अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम व्याख्यान 2 की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ क, अधिकांश, अधिकतर। ख, हरकत, शरारत। ग, उत्साह, जोश। घ, स्वभाव, आदत। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ क, अधिकांश, अधिकतर। ख, हरकत, शरारत। ग, उत्साह, जोश। घ, स्वभाव, आदत। अण, मेह, वर्षा। च, लबालब, ऊपर तक भरा हुआ। अण, मेह, वर्षा। च, लबालब, ऊपर तक भरा हुआ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, धरती पर पहले कौन आया, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, धरती पर पहले पेड़ पौधे आए, पूर्ण विराम। ख, अधिकांश धरती पर क्या थे, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, अधिकांश धरती पर वन थे, पूर्ण विराम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, धरती पर पहले कौन आया, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, धरती पर पहले पेड़ पौधे आए, पूर्ण विराम। ख, अधिकांश धरती पर क्या थे। उत्तर, अधिकांश धरती पर वन थे। अधिकांश का अर्थ है अधिकतर। ग, बादलों को किससे बहुत प्रेम था, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था, पूर्ण विराम। घ, बादल गरजकर क्यों लौट गए, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादल गरजकर इसलिए लौट गए क्योंकि वहां पेड़ काटकर घर बनाए जा रहे थे, पूर्ण विराम। ग, बादलों को किससे बहुत प्रेम था, प्रेम का अर्थ है प्यार। बादलों को किससे बहुत प्यार था, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था, प्यार था, पूर्ण विराम। घ, बादल गरजकर क्यों लौट गए, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादल गरजकर इसलिए लौट गए क्योंकि वहां पेड़ काटकर घर बनाए जा रहे थे। अण, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई, प्रश्न चिन्ह। उत्तर, मानव को अपनी गलती तब समझ में आई जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया था, पूर्ण विराम। अण, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई, गलती का अर्थ है दोष। उत्तर, मानव को अपनी गलती तब समझ में आई जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और जो बादल थे वह मानव से बहुत
गुस्से थे क्योंकि मानव पेड़ों को काटकर वहां पर अपना घर बनाया जा रहा था। इसी कारण वहां पर वर्षा नहीं हो रही थी। बादल जो थे मनुष्य से मानव से बहुत ही नाराज थे क्योंकि वे पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के बुलाने पर ही वे बरसते थे। अब मानव ने उनको काटकर घर बना लिया था, इसी कारण जो बादल थे वो मानव से गुस्से थे। च बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादल मोरों की आवाज सुनकर तथा धरती पर उनका नाच देखकर आए और उनके आने पर नदी तालाब सब लबालब भर गए। पूर्ण विराम। छ मानव ने क्या निश्चय किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया। पूर्ण विराम। च बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बादल मोरों की आवाज सुनकर तथा धरती पर उनका नाच देखकर आए और उनके आने पर नदी तालाब सब लबालब भर गए। लबालब का अर्थ है ऊपर तक भरा हुआ। नदी तालाब सब ऊपर तक भर गए। छ मानव ने क्या निश्चय किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया। मानव समझ गया कि बादल मुझसे नाराज हो गए हैं क्योंकि मैंने पेड़ों को काटकर घर बना लिया है और बादल जो है पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। अब उसने यह तय कर लिया था कि वह कभी भी वनों को नहीं काटेगा। पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था? प्रश्न चिन्ह। क बादल। बादल का स्वभाव उदार और क्षमाशील था। ख आदमी। आदमी का स्वभाव हमेशा से अधिक पाने का रहा था, अर्थात स्वार्थी था। ग मोर। मोर का स्वभाव परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला एवं सहयोगी रहा था। पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था। इस पाठ में बादल, आदमी और मोर के स्वभाव के बारे में पूछा गया है। क बादल। बादल का स्वभाव उदार और क्षमाशील था। ग आदमी। आदमी का स्वभाव हमेशा से अधिक पाने का रहा था, अर्थात स्वार्थी था। आदमी हमेशा से यही चाहता है कि वह जितना इकट्ठा कर सके अच्छा है क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे उसे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसी कारण वह स्वार्थी बन जाता है। उसका स्वभाव हमेशा से अधिक पाने का रहता है। ग मोर। मोर का स्वभाव परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला एवं सहयोगी रहा था। नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाए जिसमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। क बादल। काले काले बादल छा गए। ख शेर। शेर दहाड़ते हैं। ग आदमी। आदमी घूम रहे हैं। घ भालू। भालू जंगल में रहते हैं। अण तालाब। तालाब में मछलियां तैर रही है। नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाए जिसमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं।
जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। क बादल, काले काले बादल छा गए। तो यहाँ पर काले काले बादल छा गए, इसमें बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ख शेर, शेर दहाड़ते हैं, शेर दहाड़ते हैं। तो एक शेर के बारे में बात नहीं की गई, तो यहाँ पर बहुत सारे शेर के बारे में बात की है, लेकिन शेर का बहुवचन शेर ही होता है, शेर दहाड़ते हैं। तो वाक्य के अनुसार देखिए यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ग आदमी, आदमी घूम रहे हैं, आदमी घूम रहे हैं। तो वाक्य के अनुसार आदमी, बहुत सारे आदमी घूम रहे हैं। घ भालू, भालू जंगल में रहते हैं। तो भालू जंगल में रहते हैं, अगर हम लिखते भालू जंगल में रहता है तो हम एक वचन का प्रयोग करते। अब हमने वाक्य के अनुसार जाना था कि इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। भालू जंगल में रहते हैं मतलब बहुत सारे भालू जंगल में रहते हैं। अण तालाब, तालाब में मछलियाँ तैर रही है। मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ जो कि तालाब में तैर रही है। एक तालाब थोड़ा होता है, बहुत सारे तालाब होते हैं। तो हर तालाब में मछलियाँ तैर रही है मतलब बहुत सारे तालाब में मछलियाँ तैर रही है। दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखिए, जैसे गलती, फसल, बीज, आकाश, नदी, पेड़, आदमी, कोयल। अब हम इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग छांटकर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जांचते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। गलती, गलती स्त्रीलिंग है। फसल स्त्रीलिंग है। बीज पुल्लिंग है। आकाश पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। पेड़ पुल्लिंग है। आदमी पुल्लिंग है। कोयल स्त्रीलिंग है। दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखिए। गलती, फसल, बीज, आकाश, नदी, पेड़, आदमी, कोयल। क स्त्रीलिंग, गलती, कोयल, नदी और फसल, ये चारों शब्द स्त्रीलिंग है। ख पुल्लिंग, आकाश, पेड़, आदमी, बीज और ये चारों शब्द पुल्लिंग है। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम, को, से, में, पर और ने, इनसे आपको वाक्य पूरे करने हैं। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरी कीजिए। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कारक चिन्ह किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि में, पर, कुछ भी आ सकता है, इस बट सारे वो कारक चिन्ह होने चाहिए। जो चिन्ह लगते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं उससे आपको वाक्य पूरे करने हैं, जैसे को, से, में, पर, ने। को, से, में, पर, ने। क, उस समय धरती पर वन थे। ख,
बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। ग, बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। घ, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। अण, कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। क, उस समय धरती पर वन थे। बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। तो देखिए इन पांचों शब्दों का मीन्स कारक चिन्हों का इन वाक्यों में प्रयोग किया गया है। दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। क, उसने घर बनाना शुरू किया। वह या उसने। ख, कोयल से कहा तुम गाओ। तुम या मैं। ग, उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। उसने या मैंने। घ, वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। वह या वे। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विकल्प में दिए गए हैं, आपको इसमें से छांटकर लिखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द कौन सा सर्वनाम सही उपयुक्त होगा, तो उसको चुनकर आपको वाक्य को दोबारा से बोलना है। क, उसने घर बनाना शुरू किया। वह या उसने। ख, कोयल ने कहा डैश गाओ। तुम गाओ या मैं गाओ। तुम गाओ। ग, डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। उसने या मैंने। उसने। उसने किसने। मानव ने। घ, डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। वह या वे। वे, क्योंकि एक मोर नहीं होता, बहुत सारे मोर होते हैं। वे। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। क, मानव ने घर बनाना शुरू की। शुद्ध वाक्य, मानव ने घर बनाना शुरू किया। ख, मनुष्यों ने पेड़ काटी। शुद्ध वाक्य, मनुष्यों ने पेड़ काटे। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां है, गलत दिया गया है, तो आपको उसको सही करके बताना है। क, मानव ने घर बनाना शुरू की, क्या ये सही वाक्य है, गलत है। तो इसका शुद्ध वाक्य है मानव ने घर बनाना शुरू किया। ख, मनुष्यों ने पेड़ काटी, तो इसका शुद्ध वाक्य है मनुष्यों ने पेड़ काटे। ग, सबने बादलों से प्रार्थना की, तो इसका शुद्ध वाक्य है सभी ने बादलों से प्रार्थना की। घ, मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। शुद्ध वाक्य, मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। अण, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। शुद्ध वाक्य, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। ग, सबने बादलों से प्रार्थना की। शुद्ध वाक्य, सभी ने बादलों से प्रार्थना की।
मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। शुद्ध वाक्य, मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। अण, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। शुद्ध वाक्य, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। गृह कार्य, हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 10 बादल आए से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। अब मैं आपको व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य, हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 10 बादल आए से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। कक्षा 3 विषय हिंदी उपविषय पाठ 10 बादल आए। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1 गृह कार्य। बच्चों, अब मैं व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 10 बादल आए से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। कठिन शब्द, नंबर 1 अधिकांश, नंबर 2 स्वभाव, नंबर 3 प्रसन्न, नंबर 4 उत्साह। कठिन शब्द, नंबर 1 अधिकांश, नंबर 2 स्वभाव, नंबर 3 प्रसन्न, नंबर 4 उत्साह, नंबर 5 समुद्र, नंबर 6 कष्ट, नंबर 7 मनुष्य, नंबर 8 शुरू, नंबर 9 मधुरता, नंबर 10 पर्यावरण, नंबर 11 प्रकृति, नंबर 5 समुद्र, नंबर 6 कष्ट, नंबर 7 मनुष्य, नंबर 8 शुरू, नंबर 9 मधुरता, नंबर 10 पर्यावरण, नंबर 11 प्रकृति, नंबर 12 लबालब, नंबर 13 हरकत, नंबर 14 गुस्से, नंबर 15 प्रार्थना, नंबर 16 हरियाली, नंबर 17 पशु पक्षी, नंबर 12 लबालब, नंबर 13 हरकत, नंबर 14 गुस्से, नंबर 15 प्रार्थना, नंबर 16 हरियाली, नंबर 17 पशु पक्षी, नंबर 18 इंतजार, नंबर 19 आकाश, नंबर 20 मेह, नंबर 18 इंतजार, नंबर 19 आकाश, नंबर 20 मेह। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।